Good morning students, today we will do drawing. This video is for class 3. Okay, open your book. You have to open page number 17. ठीक है, there is a scenery of village. ठीक है, village scene है आपको दिख रहा है. सबसे पहले आपको ये पिक्चर कंप्लीट करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीट. फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट दिस विद अ पेंसिल. आपको क्या करनी है, पेंसिल के साथ में इसको कंप्लीट करनी है. तो इसको कंप्लीट कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले जैसे छोटे छोटे ट्रीज है, सन है और छोटा सा हट है, ये जितनी भी चीजें हैं जो इनकम्प्लीट है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल इससे देख के और पहले कंप्लीट कीजिए कि क्या क्या चीजें आपको बनानी है. तो आप देख सकते हैं मैं इसको कंप्लीट करती जा रही हूं. आपको भी सबसे पहले क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है. जो भी चीज इनकम्प्लीट है फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट दिस. आफ्टर दैट यू हैव टू कलर इन दिस. अब कलर कौन से यूज करना है, यू हैव टू यूज क्रेयॉन्स. आपको कौन से कलर्स यूज करने हैं, क्रेयॉन्स यूज करने हैं. तो मैं इसको कंप्लीट कर रही हूं, आप देख सकते हैं. जो छोटी 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 चीजें हैं उनको सबसे पहले क्या कंप्लीट करनी है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इसको कलर करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू स्केच इट. उसके बाद में आपको ब्लैक स्केच, ब्लैक पेन और ब्लैक कलर, क्रेयॉन कलर से आपको क्या करना है, स्केच करना है. ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कंप्लीट कर ली है. अब आप क्या करोगे, इसके अंदर कलर करोगे. नाउ यू हैव टू कलर इन दिस. अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कलर करना स्टार्ट करना है. ओके, देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है. आप देख सकते हैं जैसे सेम टू सेम था वैसा वैसा मैंने इसको कंप्लीट कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू कलर इन दिस. अब मैं इसको कलर करना स्टार्ट करती हूँ. देखिए मैं क्रेयॉन्स ले रही हूँ. सबसे पहले हम ऊपर से कलर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई हमारा छूट ना जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलर द क्लाउड. देखिए सबसे पहले मैं स्काई को कलर करें, आई एम गोइंग टू कलर द स्काई. यू हैव टू यूज डार्क एंड लाइट बोथ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लाइट कलर किया है, अब डार्क से इसको शेड दे रही हूँ. लाइट और डार्क दोनों यूज करना है. इसके अंदर लाइट और डार्क दोनों का कॉम्बिनेशन किया हुआ है. ओके, कलर द स्काई फर्स्ट, आफ्टर दैट यू हैव टू कलर द क्लाउड्स. उसके बाद आपको क्या कलर करना है, क्लाउड्स को कलर करना है. तो करना स्टार्ट कीजिए क्लाउड्स को कलर. यस, यू कैन सी कलरिंग कैसे हो रही है. अभी तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि क्या है, सब हॉच पॉच हुआ हुआ है. वेन यू विल स्केच इट, जब आप इसको स्केच करोगे तब देखना ये कितना अच्छा आता है सीन. ठीक है, तो आप देख सकते हो हाफ ऑफ द पार्ट इज कम्प्लीटेड. थोड़ा बहुत पार्ट कम्प्लीट हो चुका है इसका. जैसे मैंने स्काई कम्प्लीट कर दिया, नीचे का ग्रास कम्प्लीट कर दिया और छोटे छोटे हर्ड्स को कम्प्लीट कर ही रही हूँ मैं. तो आप भी साथ साथ में कम्प्लीट करते रहिए. लुक एट दिस, वैसे तो कम्प्लीट हो चुका है बट इसकी आउटलाइन अभी भी बाकी है. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था आपको क्या करना है, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन करके रखना है.
तो देखिए मैं लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन से ही काम कर रही हूँ। जैसे माउंटेन में देखो थोड़ा सा ब्राउन शेड है, फिर ग्रीन भी शेड है साथ साथ के अंदर, है ना, देखो माउंटेन के अंदर। और ट्रीज के अंदर क्या है, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का शेड है ना। तो आपको क्या करना है, शेड देते हुए काम करना है। देखिए छोटी छोटी ग्रासेस बना रही हूँ डार्क ग्रीन से, आपको भी ऐसे ही बनाते चलना है। अब हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, ब्लैक कलर से आउटलाइन देना स्टार्ट करेंगे। लुक एट दिस, नाउ आई एम गोइंग टू आउटलाइन दिस। अब मैं इसको आउटलाइन देना स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको भी वैसे के वैसे ही आउटलाइन देनी स्टार्ट करनी है। क्रेयॉन है, क्रेयॉन के अंदर आपको पता है कि स्केच चलेगा नहीं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप क्रेयॉन से ही आउटलाइन दें। नहीं हो रहा है पॉसिबल तो आप ब्लैक पेन और ब्लैक स्केच यूज कर सकते हैं। ओके, यस, लुक एट दिस पिक्चर, पिक्चर इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, है ना। पिक्चर बहुत सुंदर दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्योंकि हमने इसको लास्ट में आउटलाइन दी है ना। लास्ट में आउटलाइन देने के साथ साथ ये कितनी सुंदर दिख रही है पिक्चर, यू कैन सी द पिक्चर इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। यस सी, आवर पिक्चर इज कंप्लीटेड नाउ, यू हैव टू डू एज आई हैव डन। ओके, सो थैंक यू फॉर टूडे क्लास।